देखिए तो अपना कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, तीसरा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, इसको पहले बस समझ लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा कौन सा था अपना, गोनोरिया रोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपन एक रोग पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड में, चैप्टर चौथे में क्या पढ़ रहे हैं, जनश्वास लैंगिक रूप से संचरणशील रोग पढ़ रहे हैं। उसमें से कौन सा रोग आया अपना, गोनोरिया रोग। गोनोरिया रोग या गोनोरिया रोग क्या कहलाता है, संचरणी। तो गोनोरिया क्या कहलाता है, देखें, यह एक लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग है जो निसेरिया गोनोरिया, एक बार को याद करना है, एक जीवाणु का नाम होता है, क्या होता है, निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है ना। तो वैसे इसका नाम है गोनोरिया कैसे होता है, ठीक है ना। तो वह रोग जो निसेरिया गोनोरिया के द्वारा फैलता है, इस रोग के कारण फीमेल में प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। जो ये रोग होता है निसेरिया यानी गोनोरिया रोग, गोनोरिया रोग निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है ना। और जैसे ये रोग हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, फीमेल में जो प्रजनन क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, एवं बुखार रहता है, ठीक है। इस रोग के कारण फीमेल में जो प्रजनन क्षमता है वो नष्ट हो गई, बुखार रहेगा, ठीक है ना। तथा रोगी के मूत्र मार्ग में सूजन हो जाती है जिससे मूत्र त्याग में कष्ट होता है। यह नर एवं मादा के मूत्र मार्ग योनि ग्रीवा आदि में हो सकता है, यानी जो मादा जनन तंत्र होता है, ये मादा जनन तंत्र में होने वाला रोग होता है, किसके द्वारा होता है, ये निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होते हैं। इसके कारण जो फीमेल की जो प्रजनन क्षमता होती है वो प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। जब जो मादा जनन तंत्र है, मादा के जो जनन भाग होती है उसमें होने वाला रोग होता है, इसके कारण क्या होता है, जो मूत्र मार्ग होता है सूजन आ जाएगी, मूत्र त्याग में कष्ट होगा, ठीक है ना। जिससे आगे ये योनि वाला भाग होता है, मादा जनन तंत्र होता है, ग्रीवा मादा जनन तंत्र का भाग होता है, तो ये मेल में भी हो सकता है एवं फीमेल के जनन अंगों में पाया जाता है, ठीक है ना, बच जाएगा, नष्ट होता है। सिम्टम्स क्या कहलाते, लक्षण क्या कहलाते, इसमें मैं चीजें ध्यान रखना, रोग का नाम और एक कैसे होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, तो वो याद कर लेना। सिम्टम्स मीन्स लक्षण, कैसे पता चल जाएगा अपन को, उन लक्षणों के बारे में बताना है। तो इस रोग के संक्रमण के कारण, ठीक है ना, दो या तीन दिन बाद ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही इस रोग का संक्रमण हुआ, मीन्स आज हुआ, तो दो तीन दिन बाद क्या दिखाई देने लगते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते हैं फीमेल में। इसके कारण फीमेल में इसके जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन वे इसकी बाहक भी होती है। तो क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल में ये लक्षण दिखाई देंगे, पर कुछ समय तक क्या होती है, ये एक दूसरे से फैलाती है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं अपन, बाहक भी होती है। बस मैं रखनी आ रहा, ये लक्षण किसमें दिखाई देते हैं, फीमेल में दिखाई देती है, स्त्रियों में दिखाई देते हैं, और ये बाहक भी होती है, क्योंकि स्त्रियों से इसका संक्रमण पुरुषों में हो जाता है, बाहक में इसे ले जाती है। तो स्त्रियां हैं, स्त्रियों से ये रोग कहाँ पहुंच रहा है, पुरुषों में पहुंचा, इसलिए ये कौन होती है, बाहक होती है। जिससे यूरिन के साथ दूध के समान तरल पदार्थ निकलने लगता है, यूरिन निकालते हैं उसके साथ साथ ही दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने लगता है, एवं यूरिन त्यागने में क्या आती है, समस्या आने लगती है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये संक्रमण हो जाता है, उस संक्रमण के दो तीन दिन बाद ये लक्षण दिखाई देने लगते। दूसरा होता है मूत्र जलन के साथ आना, जो यूरिन त्यागते हैं वो कैसा होता है, जलन के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये समझ जाते हैं कि कोई ना कोई रोग हो जाता है। थर्ड होता है मूत्र के साथ पस आना,
ममा टाइप का सफेद तल पदार्थ निकलता है, ठीक है ना, किसके साथ निकलता है जी, यूरिन के साथ, पस का अंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा पुरुष के मूत्र मार्ग तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग कौमा यौनि एवं ग्रीवा में सूजन का आना, इसका कुछ पोर्शन पर पहले भी पढ़ चुके हैं। पुरुष के मूत्र मार्ग हैं जे कौन से हैं, यूरिन त्याग वाले जो मार्ग होते हैं उनमें होते हैं मनुष्य पुरुष के मूत्र मार्ग तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग कौमा यौनि, ठीक है ना, ये भी वही पोर्शन होता है, एवं ग्रीवा में सूजन आना, ठीक है ना। तो ये ग्रीवा क्या कहलाता है, मादा जनन तंत्र का पोर्शन होता है, हिस्सा होता है। नेक्स्ट होता है योनि, ये भी क्या होता है, जो मादा जनन तंत्र होता है उसका एक हिस्सा होता है, पोर्शन होता है, क्लियर। तो पुरुष के मूत्र मार्ग में, महिलाओं के मूत्र मार्ग में, नेक्स्ट योनि एवं ग्रीवा में सूजन का आना, ये सब किसके होते हैं, गोनोरिया रोग के लक्षण होते हैं। सरल है, कुछ आप बताना है बचाओ, ठीक है ना। प्रिवेंशन मींस इसका क्या बताना है, बचाओ, अब हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है ना। तो यह रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है बेटा, किससे फैलता है, यह रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है, अतः इस रोग से बचने के लिए असुरक्षित लैंगिक संबंधों से बचना चाहिए, जिससे फैल रहा है उसी को नष्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा, बचाव का मतलब क्या होता है, जिससे वो चीज हो और उसको हम नष्ट कर दे। तो ये कैसे फैलता है, लैंगिक संपर्क से फैलता है, लैंगिक संपर्क से फैलता है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए, मीन्स असुरक्षित लैंगिक संबंधों से हमें बचना चाहिए। अर्थात वैश्यागमन तथा अपरिचित लोगों के साथ शारीरिक संबंधों को स्थापित करने से बचना चाहिए, असुरक्षित लैंगिक संपर्क से बचना चाहिए, अपरिचित लोगों के साथ लैंगिक संपर्क से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, बच जाएगा बचाओ। नेक्स्ट होती है हमारा क्या, उपचार। अब ये तो बचाव है, बच सकते हैं, यदि हो गया तो उसका हमें इलाज करवाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं, उपचार कहते हैं, ठीक है ना। आप इसका उपचार देख लेते हैं, उपचार में रहेगा हमारा, इस रोग के बचाव के लिए पेनिसिलिन, क्या होना चाहिए, पेनिसिलिन दवाई होती है, ठीक है, मेडिसिन होती है, पेनिसिलिन, नॉरबैक्टिन कॉमा सिप्रोफ्लॉक्सिन एवं सल्फोनेमाइड, ये हमारे क्या हैं, ये मेडिसिन कहलाती हैं। तो सल्फोनेमाइड, पेनिसिलिन, नॉरबैक्टिन एवं सिप्रोफ्लॉक्सिन, कौन कौन से, पेनिसिलिन, नॉरबैक्टिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन एवं सल्फोनेमाइड आदि प्रतिरक्षी उपयोगी होते हैं तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमारा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, नंबर फर्स्ट साफ सफाई पर ध्यान देना है, और इन इंजेक्शनों का या इन प्रतिरक्षियों का, इन मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, तो इस रोग से अपन बच सकते हैं, ठीक है ना, बन जाएगा। अब लिखिए इसमें, ठीक है।